दस रुक गए हैं अब इसके। ये लो 14 दिनों तक आधी जिंक की गोली रोज इसे अपने दूध में मिला के पिलाना और दूध भी पिलाती रहना, ठीक है? ठीक है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाय, क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो और चेहरे पे भी कुछ अलग चमक है, क्या बात है? स्वस्थ खाना, कसरत करना और परेशानियों से दूर रहना, यही सब बताती ना आप सबको नर्स बहन जी। जी हाँ। कल मैंने कजरी को देखा, रिमेम्बर तुमने मुझे कजरी से मिलवाया था? हाँ सानिया, मैंने ही तुम्हें बताया था कि कजरी की शादी बचपन में ही कर दी थी और फिर उसके पति ने उसे बेच दिया था। बच्चों की खरीद फरोख के बहुत बड़े गैंग का हिस्सा था वो। राइट, इनफैक्ट मैं इसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। अब जब कजरी तुम्हें दिल्ली में मिली थी और वह सब अरेस्ट वगैरह हुए थे, तो क्या इन सबका कनेक्शन राजपुरा से था? हाँ, शायद मिताली और उसके फादर ओपी इन सब में इन्वॉल्व थे। तब मिताली बड़े साहब की वाइफ थी और फिर अचानक से गायब हो गई, बस उसके बाद से कुछ नहीं पता। साबी, क्या मैं कजरी के घर जाकर उसके माँ बाप से मिल सकती हूँ? सानिया, आई थिंक अब कजरी के घर वाले इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। यू आर राइट, मैं समझ सकती हूँ। पोएट्री बुक मास्टर जी की है। मास्टर जी, तो आपने क्या सोचा? किस बारे में? बुक और बुक वाले के बारे में। तुम मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, सिट के बारे में क्या सोचा है? I did tell you this. Da-da-da-da. Sid has finally confessed his love for me. उसने कहा कि मुझसे बहुत प्यार करता है। Oh my God! तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? Anyways, तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या? मैं तो उससे कब से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। क्यों? तड़पने दो उसे। But sorry, it's a great feeling to be in love. I think you should try it. प्यार में होने का अलग ही मजा है। Give it a chance. Will you? कजरी, कजरी, क्या हुआ तुझे? तू स्कूल क्यों नहीं आई? कजरी, बोल ना क्या हुआ? तू तो सुनैना को बुलाने गई थी ना, और फिर ना तू स्कूल आई ना सुनैना, बात क्या है कजरी? वो मीना सुनैना की भी सगाई होने वाली है। हाँ उषा, मैं सुनैना के घर गई थी। ये हमारी सुनैना का शगुन है। वहां उसका रोका चल रहा था, लड़के वाले आए थे और अब उसकी भी शादी हो जाएगी, पर वो भी छोटी है और सरपंच जी कहती हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी होता है। मीना, हम ये नहीं होने देंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं, उसके लिए भी एक बड़ी उम्र का आदमी दूल्हा बनकर आएगा और उसका भी ब्याह हो जाएगा, फिर वो उसको शहर में लेकर जाएगा, शहर में उसके साथ गंदी गंदी बातें करेगा। और फिर उसको बेच देगा। कजरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी माँ से बात करूंगी, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगी।
नहीं उषा, हमें उनसे बात करने से पहले हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सुनैना की भी शादी हो जाएगी और वो भी। गजरी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्यों मीना? हाँ, इस बार हम ही कुछ करते हैं। मीना, सबसे पहले हम सुनैना के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। हाँ, तू ठीक कहती है। क्या है माया? सुना था चार जमात तो पढ़े हो मामा, पढ़ लो। पढ़ तो लूंगा मैं माया, पर इस तरह से पहेलियों में बात करोगी ना तो सवेरा हो जाएगा। बस मामा, तुम्हारी बातों की पतंग खूब उड़ा ली हमने। मगर बाबू, इस मुंशी को जमीन की मुंह मांगी कीमत दी थी हमने, और अब पता चल रहा है कि जमीन के कागजात जाली हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, मेरे कागज और जाली? हाँ, जाली कागज सामने रखे हैं मुंशी। सुरमा मैं मंगा देती, आंखों में डालकर पढ़ लो इन्हें। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दो टके का आदमी जब बातें नहीं काम, बिना शोर मचाए अंधेरे में निकल जाओ तुम दोनों, और असली कागज लाकर दो मुझे, नहीं तो राम नाम सत्य है, बोले हुए काफी दिन हो गए हैं मुझे। पापा। हाँ बेटिया, बोल क्या कहना? बाबा, माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटिया, तेरी माँ थी भी बहुत अच्छी, बिल्कुल देवी जैसी। आपको भी माँ की याद आ रही है? हर वक्त आती है। पापा, हमारी माँ वापस नहीं आ सकती? छुटकी, तेरी माँ भगवान के घर गई है। भगवान के घर से कोई वापस आता है भला? पर बाबा, नहीं माँ भी तो माँ जैसी हो सकती है ना? ये तू क्या कह रही है बिटिया? बाबा, छुटकी और मैं स्कूल जाना चाहते हैं। घर का काम, अम्मा और सोनू, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अम्मा ठीक ही तो कहती है ना बापू, घर पर कोई तो होना चाहिए ना जो ये सब देख ले। तो फिर मैं हूं ना, तू है। कुछ बरस की बात है, हमारी छुटकी और सोनू दोनों बड़े हो जाएंगे, फिर तो। पर बाबा, घर पर रहकर तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो
मैं नर्स बहन जी जैसी कैसे बनूंगी और छुटकी शबनम जी जैसी कैसे बनेगी? बाबा, मास्टर जी रोज स्कूल में कितना कुछ सिखाते हैं, पर घर का काम, सोनू और अम्मा को देखते देखते पूरा वक्त ही निकल जाता है। कुछ दिनों की बात है बेटिया, अम्मा ठीक हो जाएंगी, फिर तू और छुटकी दोनों स्कूल जाना, सब ठीक हो जाएगा। माँ होती तो क्या हमें एक दिन भी स्कूल जाने से रोकती? बाबा, नई माँ आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो हमारे साथ खेलेंगी, हमें कहानियाँ सुनाएंगी, हम उनका हाथ बटाएंगे और वो हमें स्कूल भी भेजेंगी। सब वैसा ही हो जाएगा बाबा, जैसा तब था जब माँ थी। तू बहुत छोटी है बेटिया, बात को समझ नहीं रहे। बाबा, आपने बिटिया दिवस के दिन कसम खाई थी ना कि आप हम दोनों को स्कूल भेजने के लिए कुछ भी करोगे। अब बस कर बिटिया। बाबा, आप हमारे लिए नई माँ लाओगे ना? अगर इस उम्र में उसका ब्याह किया तो तुम्हें जेल हो सकती है। हमारी जमीन के बदले दुगने नाप की उपजाऊ जमीन दे दीजिए और 2 लाख रुपए नगद। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।